तो हेलो गाइस, व्हाट इज अप। तो आज के इस वीडियो में हम बात करें इस मॉनिटर के बारे में, क्योंकि काफी दिन पहले मैंने एक वीडियो डाला था इसकी अनबॉक्सिंग। बट हालांकि उसमें कुछ रीजंस की वजह से मैंने उसमें वॉइस ओवर नहीं दिया था, तो बहुत सारे लोगों के कुछ सवाल थे इस मॉनिटर को कर लेके, इसको लेना चाहिए या कैसे लेना चाहिए, इसका प्राइस क्या होगा, और इसमें 4K सपोर्ट करता है नहीं, ये कितने हर्ट्स का मॉनिटर है, इसका इंच कितना है, मतलब कितने इंच का मॉनिटर है, और इसका एस्पेक्ट रेशियो क्या। ऐसे बहुत सारे सवाल मुझे ना कमेंट बॉक्स में मिले, और कुछ लोगों ने मुझे DM किया था इंस्टाग्राम पे। तो आप भी मुझे DM कर सकते हो, मेरा इंस्टाग्राम आईडी है मैं नीचे डाल दूंगा, ये स्क्रीन पे कहीं दिख रहा होगा, ताकि तुरंत फॉलो कर लो। वहाँ पे मैं टेक रिलेटेड रील्स भी अपलोड करता हूँ, तो आप लोगों को बहुत हेल्प होगा। तो बस मेरा मानना है, एक सेटअप आपका ऐसा होना चाहिए कि आपकी ड्रीम सेटअप कह सकते हो, या कुछ ऐसा आपके पसंदीदा कुछ कह सकते हो, कुछ एक्स्ट्रॉर्डनरी आप बोल सकते हो, तो वो मॉनिटर ना, ये मॉनिटर ना उसको फिल कर देगा। सीरियसली बता रहा हूँ मैं आपको, मार्केट में बहुत सारे मॉनिटर्स मिल जाएंगे, मैं इधर लिस्ट कर दूंगा, आप अमेजोन पे जाके, फ्लिपकार्ट पे जाके आप देख सकते हो, बहुत सारे मॉनिटर्स मिल जाएंगे, इसी प्राइस रेंज में आते हैं। मैं इसका प्राइस अभी थोड़ी देर में रिवील करता हूँ, ताकि आप लोगों को शॉक हो जाए इस प्राइस को। तो मैं चलो यार बता ही देता हूँ, मैं अभी बता देता हूँ, क्योंकि एक्साइटमेंट लेवल ही इतना है। इस मॉनिटर को मैंने खरीदा है सिर्फ 22,000, सब मेरे 500-600 रुपए आप ऐड कर लो या माइनस कर लो, बस सिर्फ 20 से 22,000 का मॉनिटर है ये बस। तो आप देख सकते हो कितना अल्ट्रा वाइड है ये, मतलब पूरा 29.9 इंच का एक मॉनिटर है, मतलब 30 इंच आप कह सकते हो, 30 इंच ऐसे मापा जाता है इसको। तो इसका एस्पेक्ट रेशियो मैं बताता हूँ, 21:35:1, ये है इसका एस्पेक्ट रेशियो। और गाइस लिटरली बता रहा हूँ, ये 200 हर्ट्ज का मॉनिटर है, सोच सकते हो आप, सिर्फ 20 से 22 हज़ार में आपको 200 हर्ट्ज का मॉनिटर मिलता है, वो भी ऐसी कंपनी से जो एसर है, जानी मानी बहुत ही मस्त कंपनी। तो क्यों ना ले यार, मतलब सच्ची बता रहा हूँ, बहुत मस्त मॉनिटर है। जिस दिन से मैंने लिया है इसको, मैं कुछ भी रिग्रेट नहीं कर रहा हूँ। इसमें पीछे आपको कुछ LED की स्ट्रिप्स मिल जाते हैं, जो कलर चेंज कर सकते हैं ऑब्वियसली, और इसमें बहुत सारे मॉड्स मिलते हैं, गेमिंग मोड हो गया, तो गेमिंग मोड में आपको बहुत सारे मॉड्स मिलते हैं, मैं दिखाता हूँ एक एक बार करके। देखो आप इसमें मॉड्स, आप इसमें पीछे का जॉयस्टिक जैसा बटन है, उसको क्लिक करके आप इसमें मेनू पे जा सकते हो, फिर ब्राइटनेस लेवल आप देख सकते हो, फिर यू मॉड पे अगर जाके स्पोर्ट्स मॉड, G3 रेसिंग और G1 स्टैंडर्ड, एको, ग्राफिक्स, HDR, आप कुछ भी सेलेक्ट कर सकते हो इसमें। और आप गेमिंग मोड पे जाओ तो ऑटोमेटिकली ये चला जाता है 144 हर्ट्ज पे, अगर आप मैन्युअली अगर सेट करना चाहे तो ये आप 200 हर्ट्ज तक भी सेट कर सकते हो। अभी मैंने इसको 120 हर्ट्ज पे सेट करके यूज़ कर रहा हूँ, बट अभी कुछ दिनों के बाद अगर मैं, या कुछ टाइम के बाद इसको यूज़ करने के, अगर मैं 60 हर्ट्ज के डिस्प्ले पे आ गया तो तुरंत मुझे पता चल जाता है कितना स्लो चलता है ये, कितना फास्ट चलता है। और इसका रेजोल्यूशन की मैं बात करूँ तो ये 2560x1080p पे आता है, तो ऑलमोस्ट ऑल आप कह सकते हो 1044p का ये मॉनिटर है, जो करीब करीब 2K के करीब है, 2K आप नहीं बोल सकते, 2K से थोड़ा कम है, फुल HD आप बोल सकते हो, इतना मस्त मॉनिटर है। अब अगर गेमिंग की बात करें तो लिटरली यार गेमिंग और प्रोडक्टिविटी में ना ये मॉनिटर कुछ अलग ही लेवल का देता है। मैं अगर प्रीमियर प्रो चला रहा हूँ, साथ में कुछ फोटोशॉप कर रहा हूँ, बीच में कुछ और एक मैं स्क्रिप्ट लिख रहा हूँ, तो मैं चारों ऐसे काम ना एक ही बार में कर सकता हूँ मॉनिटर में, बिना कुछ स्लाइड वगैरह चेंज किए। तो ये है इस मॉनिटर का थिंग, मैंने कुछ ऊपर से स्पेसिफिकेशंस मैंने आपको बता दिए इसके बारे में, एक रिव्यू आप कह सकते हो मैंने बता दिया। अभी आपके कमेंट्स पढ़ते हैं, कुछ सवाल देखते हैं, तो पूरे वीडियो में बने रहिए आप जरूर, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही यूजफुल होने वाला है, एंड तक देखना वीडियो और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं कभी भी बोलता नहीं ज़्यादातर, बट आज बोल रहा हूँ, पर चैनल को सब्सक्राइब कर दो, कोई भी करता नहीं है ज़्यादातर, और लाइक करना मत भूलना। तो बढ़ते हैं आपके सवालों की तरफ, मैं कमेंट्स पढ़ रहा था तो उसमें बहुत सारे कमेंट्स, मतलब बहुत सारे DMs हुए, तो उनका सवाल ये था कि ये 4K सपोर्ट करता है या नहीं, बट नो गाइस, ये 4K सपोर्ट नहीं करता, और 2K के करीब है बट 2K भी सपोर्ट नहीं करता है। मैं बताता हूँ, 2K आप आराम से मान सकते हो 2K, क्योंकि ये 1440p का जो रेजोल्यूशन है वो थोड़ा सा बड़ा भी है, तो आप बोल सकते हो 2K, बट टेक्निकली 2K नहीं है, 4K तो सपोर्ट नहीं करता है। तो एक भाई का ये सवाल है कि डू यू नो इफ दिस मॉनिटर इज कंपैटिबल विद PS5। तो वैसे मैंने प्रैक्टिकली तो देखा नहीं है PS5 के साथ सपोर्ट करता, बट मैंने हाँ इसमें Xbox को यूज़ किया है, तो Xbox के साथ सपोर्ट करता है। तो इसमें आपको पीछे एक HDMI मिल जाएगा, और तो 3 HDMI मिल जाएंगे और एक डिस्प्ले पोर्ट मिल जाएगा, तो आई गेस अगर HDMI है तो डेफिनेटली ये PS5 को सपोर्ट करता है, बट मैंने प्रैक्टिकली देखा नहीं। तो और एक यूज़र बोलते हैं, क्या ये हम MacBook के साथ यूज़ कर सकते हैं? हाँ सर, बिल्कुल आप यूज़ कर सकते हो MacBook के साथ, तो Windows के साथ तो मैं वैसे ही चला रहा हूँ, MacBook के साथ आराम से यूज़ कर सकते हो, बस आपको वो जो माइक्रो से मैक्रो, मतलब छोटी वाली HDMI जो केबल आती है, माइक्रो केबल, माइक्रो HDMI, उससे आपको बड़ी केबल आपको लेनी पड़ेगी, कन्वर्टर जो बोलते हैं वो लेना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे MacBooks में छोटी वाली HDMI आती है, तो इसमें बड़ी वाली HDMI का ऑप्शन है, तो उसको आपको कन्वर्टर लेना पड़ेगा।
और कुछ पूछते हैं, डज इट सपोर्ट 4K रेजोल्यूशन? नहीं भाई, मैंने बता दिया पहले से, 4K रेजोल्यूशन सपोर्ट नहीं करता। फ्रॉम वेयर डिड यू परचेज दिस? मैंने इसको अमेजोन से मंगाया था, अमेजोन में आपसे चलेगी तब मैंने इसको मंगाया, मतलब सेल नहीं था, कुछ डिस्काउंट चला था तब मैंने मंगाया। अब मैं आपको लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप जाके वहाँ पे आराम से खरीद सकते हो। और अभी का प्राइस मैं एक बार चक्कर के बता देता हूँ, या हो तो स्क्रीन पे डाल देता हूँ, आप देख लो। मैंने लिया था, मैंने बताया था प्राइस, उस प्राइस के आसपास अगर मिल रहा है तो खरीद लो, आप रिग्रेट नहीं होंगे, क्योंकि मॉनिटर बहुत अच्छा है और ब्राइटनेस इतनी ज्यादा है, मतलब बहुत ही ज्यादा ब्राइटनेस है। व्हाट अबाउट वेसा माउंट? भाई वेसा माउंट इसके साथ नहीं मिलता, बस ये स्टैंड ही मिलता है, जो बस अल्यूमिनियम का स्टैंड है, आयरन आप बोल सकते, आयरन तो नहीं है बट अल्यूमिनियम का स्टैंड है, उसके साथ वेसा माउंट नहीं मिलता। अगर आप चाहते हो सेपरेटली खरीद सकते हो। आर यू डिडंट मेंशन प्राइस? हाँ भाई, मैंने उसमें प्राइस शायद नहीं बताया था, तो इसी वीडियो में मैंने बता दिया हूँ प्राइस। इसका प्राइस है समवेयर अराउंड 20,000 टू 23,000 तक मैंने लिया था इसको, तो आप इस प्राइस में आराम से ले सकते हो। क्या ये लेना सही होगा या नहीं वीडियो एडिटिंग के लिए? भाई अगर आप 4K एडिटिंग करते हो तो आई डोंट थिंक सो 4K एडिटिंग के लिए ये ले लो, क्योंकि 4K एडिटिंग इसमें होता नहीं, मतलब दिख जाता है, बट 4K का जो एक्सपीरियंस आप ले सकते हो मॉनिटर में ये होगा नहीं, ये 4K मॉनिटर नहीं। अगर आप 1080 भी करते हो या 2K करते हो तो आराम से आग बन करके वीडियो एडिटिंग के लिए ले लो। आप अगर भी सब प्रीमियर प्रो, मैं आपको चला के दिखाता हूँ प्रीमियर प्रो, अगर इसमें चला रहा हूँ इतनी लंबी आपको टाइम लाइन मिल जाती है एडिटिंग के लिए, कट्स करने के लिए, बहुत ही मजा आ जाएगा एडिटिंग करने में, इसमें सीरियसली बता रहा हूँ। तो आफ्टर अ लॉन्ग गैप इट्स अनबॉक्सिंग वीडियो, तो थैंक यू सो मच भाई, मैं रेस्पॉन्ड करना भूल गया आपके कुछ कॉमेंट्स को। देन लोग पूछते हैं इसका एस्पेक्ट रेशियो, एस्पेक्ट रेशियो जैसे मैंने बता दिया इसका 21:35:1 आता है एक्चुअल में। और कुछ लोग पूछते हैं क्या इसमें वीसिंग का सपोर्ट है? हाँ भाई बिल्कुल है, इसमें AMD फ्रीसिंग का सपोर्ट है, जो प्रीमियम वाला आता है AMD फ्रीसिंग, इसलिए तो मैं बोल रहा हूँ। तो अगर 200 Hz पे मॉनिटर जा रहा है तो आपकी गेम्स को अगर 170-180 फ्रेम रेट्स अगर आपको मिल रहे हैं तो डेफिनेटली आपको मॉनिटर उसके साथ कंपेटेबल करके आपको मस्त सा एक्सपीरियंस मिलेगा। लैगिंग तो आपको बिल्कुल फील नहीं होगी। मैं थोड़ा सा गेम प्ले भी डाल देता हूँ, मैंने कुछ चैनल पे गेम प्ले भी डाला है, आप जाके देख सकते हो। इसके साथ और कुछ हमें एक्स्ट्रा या कुछ बड़ा वाला मिलता है? हाँ भाई आपको मिलता है ऐसा एक 31 इंच का एक मॉनिटर है, जो 37 है, जो 38,000 में मिलता है। सेम मॉनिटर है वो, बट थोड़ा सा बड़ा है, 38 इंच का है। इसमें क्या होता है, थोड़ा सा मॉनिटर ऊंचा होता है जैसा आप कह सकते हो, और थोड़ा सा बड़ा भी है, तो अगर आप वो लेना चाहते हो ले सकते हो। वो भी सेम ही रेजोल्यूशन पे आता है, 2560x1440p पे, बट थोड़ा सा बड़ा मिल जाता है। अगर उतने आप 40,000 खर्च करना चाहते हो तो आप 4K मॉनिटर ले सकते हो आराम से, तो मेरी कहने की बात ये है। बट ये मॉनिटर स्पेशली जो 200 Hz पे आता है, तो वो आता है 240 Hz पे, वो भी अच्छी डील है। बट अगर ये मॉनिटर मैं कहूँ तो इट्स वैल्यू फॉर मनी पैकेज, क्योंकि एक तो 22,000 के प्राइस रेंज में आता है और अल्ट्रा वाइड है और एसर की कंपनी के साथ आ रहा है, मतलब अमेजिंग डील है। आई डोंट नो फिर इसके प्राइस कब बढ़ जाएगी, कब कम हो जाएगी। अगर आपको अच्छी डील पे मिल रहा है तो आप आग बन के खरीद लो। कुछ लोग भी खरीद के मुझे DM कर रहे थे कि इसमें कुछ लाइट का इशू है तो कुछ है, अगर आपको ऐसा कुछ फेस हुआ तो तुरंत उसको रिप्लेस करा दो, क्योंकि मेरे इसमें कुछ भी इशू नहीं है, तो थैंक गॉड फॉर दैट। तो आप ही अगर देखिए आप इसको करा दो। तो होपफुली गाइस मैंने बहुत सारे क्वेश्चन आपके कवर कर लिए, और क्वेश्चन के बिना ही मैंने बहुत सारे आपके सवालों का मैंने जवाब दे दिया पहले ही कुछ पार्ट ऑफ दिस वीडियो में। तो आई गेस वीडियो को यहाँ पे एंड करते हैं। अगर आपके डाउट्स क्लियर हो चुके हैं तो आप एक लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो, मैं ज़्यादा बोलता नहीं फिर भी बोल रहा हूँ। अगर आपके कुछ कमेंट्स रह गए या कुछ सवाल रह गए, आप मुझे DM कर सकते हो इंस्टाग्राम पे, मेरे इंस्टाग्राम ID मैं दे दूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, आप जाके मुझे DM कर सकते हो।